पीड़िता को नहीं मिला न्याय, दर दर भटकने पर मजबूर। बस्ती सदर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत गनीसपुर के टोला बंधुआ का मामला, जहां एक निसहाय वृद्ध एवं बेवा औरत के साथ किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है। दबंगों की दबंगई इस तरह चरम सीमा पर है कि मजबूर व्यक्ति को अपने घर में जिंदगी न जीने दे रहे। वहीं हरिद्वार पुत्र बुध अपने बेवा बहू के साथ दर दर भटकने को मजबूर है। चौकी से लेकर मुख्यालय तक का चक्कर लगा चुके, कहीं से कोई कार्य नहीं हुआ। मामला 21/6/2023 का, जहां गरीब को न्याय नहीं मिला। गणेशपुर चौकी से लेकर मुख्यालय तक किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह मजबूर व्यक्ति के घर के सामने जबरन दरवाजा खोला जा रहा है। हरिद्वार के मना करने पर केदारनाथ पुत्र वधु, मेवाती पत्नी केदारनाथ, मुकेश पुत्र केदारनाथ, संगीता पत्नी मुकेश ने लाठी डंडों से मारा पीटा। पीड़ित ने चौकी प्रभारी को शिकायती पत्र दी, लेकिन पीड़ित को कभी अभी भी थाने पर कभी चौकी पर बुलाते हैं, लेकिन पीड़िता को न्याय नहीं मिला। योगी सरकार एक तरफ पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम कर रही है, वहीं बस्ती जनपद के अधिकारी दबंगों के साथ देने में लगे हैं, तो पीड़ित को आखिर न्याय कहां से मिलेगा। चंद्रभूषण उपाध्याय, जिला संवाददाता, बस्ती, टीवी इंडिया 18 की खास रिपोर्ट। पति क्या नाम? कहां रहने वाले? क्या मामला है आपका? मामला यही है कि जबरदस्ती हमारे घर के सामने जो जमीन है, हाँ, उसको जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं मुकेश केदार, सब पूरे परिवार में। मुकेश केदार? अच्छा, केदार कौन है? केदार मुकेश का पिताजी है। हाँ, तो बताइए कैसी जमीन है, क्या है वो? आबादी की जमीन हमारे कब्जे में है, हाँ, जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, हाँ, और मना करने पर वो मतलब लाठी डंडा लेकर के मारने दौड़ाते हैं, बार बार कई बार घर पे चढ़ के आए। तो आपने कहीं सूचना दी? हाँ, सूचना दी गई थी चौकी पर। चौकी वाले एप्लीकेशन लिए, 111 में चालान किए। चालान करने के बाद 29 तारीख को हमने चालान जमानत करवा के आए। दोनों पार्टी को चालान किए थे कि आपने? नहीं, दोनों पार्टी को चालान किए, जमानत करवा के आई। उसके 2 दिन बाद उसने जबरदस्ती द्वार खोल दी। अच्छा, आपके तरफ से? हाँ, हमारे तरफ से। फिर यहाँ फिर चौकी पर गई, दरोगा साहब आए, डांटे, बोले सुबह तक दरवाजा बंद कर लेना। किसको? किसको बोले? मुकेश केदार को। केदार को दरोगा जी ने कहा? हाँ, दरोगा जी ने कहा कि दरवाजा सुबह तक बंद कर लेना, नहीं तो हम बताएंगे दोपहर के बाद। तब से कुछ किए नहीं। तो क्या दरवाजा बंद किया गया कि दरवाजा ऐसे खुला हुआ? दरवाजा ऐसे खुला है। फिर आपने क्या किया उसके बाद? फिर गई वहाँ चौकी पर, उसने कहा कि थाने पे जाओ। थाने पे गई, आए वहाँ से, मतलब आप चौकी से लेकर के थाने तक चक्कर काटे, आपको न्याय नहीं मिला? नहीं मिला। तो आपने ऊपर उसके ऊपर अधिकारी कहीं गई? हाँ, गई वहाँ कप्तान साहब के यहाँ। कप्तान साहब के यहाँ गई, और मतलब जहाँ जाना था, लेकिन आपको कहीं न्याय नहीं मिला? कहीं न्याय नहीं मिला। तो आप चाहती कि यहाँ शासन प्रशासन से? हम यही चाहती हूँ कि दरवाजा जैसे पहले था दीवार, वैसे हो जाए, दरवाजा बंद किया जाए। हाँ, जमीन जैसे वैसे पड़े रहे, परिवार है नहीं। जब से हमारे पति एक्सपायर हुए हैं, तब से ये लोग हमें। कौन कौन है आपके परिवार में? हम हमारे ससुर जी हैं, छोटे छोटे 3 बच्चे जी। ये आपके ससुर जी? ये हमारे ससुर जी। क्या नाम आपका? हरिद्वार। क्या मामला है जो बता रही हैं? मामला, 3 लड़के थे, अलग कर दिए जी। लड़का छोटा मर गया कोरोना में जी, जी। अकेली पड़ गई जी, जी। पेंशन पाते हैं, इसका गुजर बसर करवा रहे हैं जी। 2 लड़के इसीलिए नाराज है, पैसा मांगते थे, ATM के यहाँ दरखास्त दिए तो मना कर दिया, पैसा नहीं मिलेगा पेंशन में हिस्सा जी, जी। ठीक है, हमारे भाई 45 साल पहले बंटवारा हो चुका। नहीं, आप इस मामले बात करिए जो मामला हमारे मामले में यहाँ जो मामला चल रहा है आपके यहाँ। हाँ, हाँ। आपको कहीं प्रशासन से न्याय मिला या नहीं मिला? न्याय ना मिला, ना मिलने की उम्मीद है। उम्मीद भी नहीं, क्योंकि जो है ये लोग आश्वासन देते हैं, 6 महीने से ऊपर हो गया। चौकी इंचार्ज भी जो है उल्टे डांटते हैं, थाना जब दिखाते तो मारपीट हुआ करता है, चोर लगा करता है। हाँ, ना मेडिकल पर दवा करवाए, पता नहीं क्या है ये, मतलब उनका अपच कह रहे, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारा जो है कोई अधिकार नहीं, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई क्या करें, हमारे कोई नहीं। हम तो कहे कि साहब दरवाजा बंद करवाइए। यानी कि खाली आप चक्कर ही काटते रहे? हाँ, नहीं, दरवाजा खुलवा दिए वो लोग, फोन किए नहीं आया। दरवाजा खुलने के बाद बहुत दिन के बाद बंद नहीं करवाया, जवाने कहे बंद कर लो। जब वो शासन वो लेखपाल कहता है कि वो पुलिस का काम है, ये कहते हैं ATM का काम है, एक दूसरे पे खेल रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है।